સુરતના સ્ટેશન રોડ પર આવેલી જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે ભરૂચ જિલ્લા યુથ કોંગ્રેસની કારોબારી બેઠક પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ હેમંત ઓગલેની અધ્યક્ષતામાં મળી હતી, જેમાં આગામી 1 જાન્યુઆરીથી ટોલબુટ પર ફાસ્ટટેગ ફરજિયાત કરવા સામે વિરોધ વ્યક્ત કરી આ મુદ્દે ભરૂચથી આંદોલનની શરૂઆત સોમવારથી કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. તે ઉપરાંત નર્મદા નદી પર ગોલ્ડન બ્રિજને સમાંતર બની રહેલા મા નર્મદા મૈયા બ્રિજની કામગીરી સમયમર્યાદા પૂર્ણ ન થવા બાબતે અને કામગીરી જલ્દીથી પૂરી કરવા રજૂઆત કરવાનો નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો હતો. યહાં પે ભરૂચ જિલ્લા યુથ કોંગ્રેસ કી બેઠક હે. ઇસ બેઠક મેં હમલોગ મુખ્ય રૂપસે આને વાલે જો જિલ્લા પંચાયત નગરપાલિકા કે ચુનાવ હૈ और महानगरपालिका के जो चुनाव है उसके बारे में हम हमारे युवा साथियों से चर्चा करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं. तो यही मुख्य रूप से हम लोग आए थे. आने वाले समय में युवा कांग्रेस यहाँ पे कैसे मजबूत करनी है उसके लिए भी अभी हम लोगों को फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का मुख्य आधार स्तंभ हमारे पूरे देश के नेता ही यहाँ पर नहीं रहे तो अभी हमारे युवाओं की जिम्मेदारी रहेगी कि उनका जो सपना है भरूच को मजबूत करने का, भरूच को आगे ले जाने का, वो फिर से शुरू करना पड़ेगा. यहाँ पे युवा कांग्रेस ने और कांग्रेस ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, यहाँ का जो टोल टैक्स है उसका मुद्दा उठाया था और वो माफ़ भी किया था. पर फिर से उस कंपनी ने लगभग मेरे ख्याल से भाजपा की जो सरकार है नितिन गडकरी जी ने पूरा क्लियर कर दिया कि 1 तारीख से पूरा फास्टैग कंपलसरी करेंगे, कैश लेन बंद करेंगे. तो हम लोग फिर से वो मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनको उस टोल टैक्स से एग्जम्पशन देना ही पड़ेगा. अगर नहीं देंगे तो कांग्रेस और युवा कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ ये लड़ाई फिर से आगे लड़ेगी और आने वाले समय में जो चुनाव का है मुद्दा है उस चुनाव के मुद्दे को लेके ये बीजेपी सरकार ने पिछले 2014 से आज अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनके वेबसाइट खोल के देखिए, बेरोजगारी का आलम 37% से ज़्यादा बेरोजगारी इस देश में बढ़ाई है. कांग्रेस के सरकार में कभी वो 7-8% से ज़्यादा बढ़ी नहीं थी, आज वो 37% हो गई है. तो जो युवा साथी बेरोजगार हो गए उनकी भी लड़ाई हमें लड़नी है और जो किसान भाई पिछले 1 महीने से दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हैं फिर भी ये सरकार जो उन्होंने बिल लाया है वो बिल वापस लेने से इनकार कर रही है. इन्होंने बिल लाया है वो भी अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि इन्होंने बड़ी सुपारी ली है, 22 लाख करोड़ की सुपारी ली है, क्योंकि ये जो मार्केट है हमारा किसानों का वो लगभग 22 लाख करोड़ के पूरे देश का मार्केट है. तो ये पूरा मार्केट उनको उनके दोस्तों को देना है, इसलिए उनके प्रेशर में आके ये जो उन्होंने बिल लाया है किसान बिल वो वापस नहीं ले रहे. तो ये कुल मिला के जो आम आदमी की लड़ाई है, कांग्रेस का हमेशा का कहना है, इंदिरा जी का नारा था आम कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, तो उसी आम आदमी का आवाज़ बुलंद करने की तैयारी हम लोग यहाँ भरूच से करेंगे और आगे आने वाले समय में ये और ज़ोर से कांग्रेस और युवा कांग्रेस एक साथ हर चीज़ में लड़ेगी. આ મળેલી કારોબારી બેઠકમાં પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ હેમંત ઓગલે, કો ઇન્ચાર્જ સઈદભાઈ ભરૂચ જિલ્લા યુથ કોંગ્રેસ, પ્રમુખ શેરખાન પઠાણ NSUI, પ્રમુખ યોગી પટેલ સહિત અન્ય હોદ્દેદારો અને સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.